नमस्कार, मैं हूं बेबी कुमारी और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बड़ी खबर है, देश में आम आदमी के दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी पार्टी कानपुर नगर के जिलाध्यक्ष अरविंद कटियार ने बताया कि इन हालातों के जिम्मेदार मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कुछ वह जन विरोधी कदम है। 1. कृषि बिल में बढ़ रही जमाखोरी। 2. कृषि बिल में MSP व्यवस्था समाप्त करना घातक। 3. पेट्रोल डीजल के जरिए लूट। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश होने के कारण सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी के किसानों पर रहा है। अतः आपसे आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के इन गंभीर हालातों को समझते हुए आपके स्तर से तत्काल हस्तक्षेप किया जाएगा और किसान सहित आम जनता को राहत दिलवाई जाएगी। उक्त मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कानपुर नगर में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया व जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरविंद कटियार, बलवंत सचान, संजय झा, संदीप शुक्ला, ओम प्रकाश सिंह, राजीव कटियार, पुष्पा सिंह, निशा निगम, सुमन यादव, जय सिंह, जयंती सिंह, आनंद बाबा, प्रदीप आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एकत्रित होकर सबसे पहले उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद जो आलू और प्याज की बेतहाशा रेटों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रही है। उसी कड़ी में आज कानपुर नगर में आम आदमी पार्टी के सभी साथी यहाँ पटेल चौक पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। मांग करते हैं कि योगी बाबा इस आलू और प्याज की जो बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतें हैं, इस पर कंट्रोल करें और जनता को राहत दिलाने का प्रयास करें। अब तक की जो बढ़ोतरी हुई, कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है सब्जियों में? अभी जो सब्जी में बढ़ोतरी है, हमें लगता है करीब 200% रेट में बढ़ोतरी हो चुकी है। 200% लॉकडाउन के दौरान जो सब्जी 10 रुपए 15 रुपए किलो चल रही थी, वो आज 150 रुपए किलो, 125 रुपए किलो, इवन 180 रुपए किलो तक हो गई है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसकी जिम्मेदार ये राज्य सरकार है। जमाखोरी, ये किसानों को लाभ इसका नहीं मिल रहा है, ये जमाखोरी हो रही है। बिचौलिए इसका आनंद ले रहे हैं और ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, सरकार की सह पर हो रहा है। सरकार से जुड़े हुए लोग ये जमाखोरी कर रहे हैं, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है।